नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के मैथन डैम घूमने आए 3 किशोर नहाने के क्रम में डूबे। धनबाद से मैथन डैम घूमने आए आधा दर्जन दोस्तों में से 3 किशोर नहाने के क्रम में डूब गए। घटना बुधवार शाम 4 बजे के आसपास की है। घर वालों को जैसे ही घटना का पता चला, आनन फानन में घटनास्थल मैथन डैम पहुंचने लगे। कोहराम एवं चीत्कार से पूरा माहौल गमगीन हो उठा। देर रात तक लड़कों का पता नहीं चल सका था। डूबे हुए किशोरों में नयाब गद्दी 15, नया बाजार, जायद हुसैन 16, टीसी कंपाउंड, बरमसिया और युवराज सिंह 16, वासेपुर शामिल हैं, जबकि लकी, इसान आलम और तकदीस सलाम सकुशल घर लौट गए। बिना किसी को बताए 3 दोस्त लौट आए। धनबाद के लड़कों का दल बुधवार की दोपहर मैथन डैम घूमने के लिए पहुंचा। सभी दोस्त डैम के नीचे हिस्सा 3 टावर के समीप नहाने के लिए उतर गए। इसी दौरान एक एक कर 3 युवक डूब गए, जबकि 3 अन्य युवक डर कर मैथन में बिना किसी को कुछ बताए वापस धनबाद चले गए। जो युवक घर नहीं पहुंचे तो उनके घर वालों ने बाकी युवकों से पूछताछ की। पहले तो तीनों युवक कुछ भी नहीं बता रहे थे, लेकिन बाद में दबाव डाला गया तो एक युवक ने बताया कि वे मैथन डैम घूमने गए थे, नहाने के दौरान 3 डूब गए। तब जाकर धनबाद से लोग मैथन डैम पहुंचे। तब तक रात हो गई। सुबह से तलाश हुई शुरू। मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन ने बताया कि सीआईएसएफ के जवान एवं स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचकर खोजबीन का प्रयास किया जा रहा है। 2 शव को बाहर निकाला गया है। 10 बजे पहला शव युवराज सिंह को बाहर निकाला गया। दूसरा शव 10:15 में जयाद हुसैन को बाहर निकाला गया है। मौके सीओ कृष्ण मरांडी और मैथन थाना प्रभारी आकृष्ट अमन सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। आइए जानते हैं। कृष्ण कुमार मरांडी सीओ एग्यारकुंड और परिजन और दुबराज महतो मुखिया पति ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। घूमने के लिए और नहाने के लिए 6 लड़का था। 6 लड़का जो है, 6 लड़का अपना यहाँ नहाने आया था, जिसमें से 3 लड़का जो है डूबा और जिसमें 3 लड़का यहाँ से भागा। जो हम लोग को खबर मिला तब हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद प्रशासन को खबर किया गया। यहाँ का लोकल आदमी लोग जो है पूरा सपोर्ट किए, मगर अभी तक प्रशासन का कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। प्रशासन को हम लोग रात भर हम लोग यहाँ पे थे। प्रशासन बोला सुबह कार्रवाई होगा। सुबह हम लोग 7 बजे फोन किए हैं, 7 बजे से बोला कि आ रहा है टीम, आ रहा है टीम, आ रहा है, और अभी तक टीम नहीं आया। प्रशासन के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। यहाँ का लोकल आदमी जितना है पूरा सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि यहाँ का जितना भी आदमी है, सारा आदमी अपना अपना जो भी है, तैराक है, जो भी है, सब बुला करके लाया है, पर प्रशासन कोई भी ही नहीं है। तो 3 लड़का का डूबा कहाँ तक था? वो 1 लड़का मेरा जो है नया बाजार का था, 1 एसटीसी कंपाउंड, 1 मनई था। क्या बोल के घर से निकला था? वो लोग बोला कि हम लोग आ रहे हैं घूम के। एक लड़का बोला था कि हम नोट्स लेने जा रहे हैं। नोट्स लेने के बहाने से ये लोग आया था। कहाँ पढ़ते थे ये लोग? पढ़ते हैं, 1-2 लड़का आपका पढ़ता है मोनब्रेशिया में, 1 जीजीपीएस में। घर से कितने बजे निकला? ये लोग घर से जो निकला है, ये लोग घर से निकला है आपका वही 2:30-3 बजे के लमसम में। किसका बर्थडे था? बर्थडे या किसी का बर्थडे? वो बर्थडे पता नहीं, लोग तीनों में किसी 6 लड़के में से एक किसी का बर्थडे था, जो बर्थडे मनाने के लिए लोग यहाँ तक आया था। जो 3 लड़का जो वापस घर पहुंचे वो लोग कुछ बताए? वो लोग कुछ नहीं बताया। हम लोग बहुत देर तक वेट किए अपना भतीजा का, तो वो जो है लास्ट में फिर हम लोग को स्नैप से पता चला कि ये लोग सब साथ में थे। उन लोग से पूछा गया तो वो लोग भी नहीं बताया। फिर लास्ट में 6 बजे जो है हम लोग जब उस पर फोर्स किए तब वो लोग बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। प्रशासन हम लोग के सपोर्ट पे है ही नहीं। आप लोग क्या चाहते? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बच्चा बच्चा, हाँ, एनडीआर को बुलाया जाए यहाँ पे जी। काहे कि मेरा बच्चा लोग है ना, घटना कल शाम का, कल शाम का घटना है, 4-5 बजे का, और 6 बजे इन्फॉर्म कर दिया गया था यहाँ का थाना को। 15 घंटा बीत गया, 15 घंटा हो गया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है प्रशासन की तरफ से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शहबाज। वो हम एक लड़का जो है वो मेरा भतीजा है। हम लोग को सूचना मिली, वैसे ही गांव वाला तो एक्टिव हो गया, सब थाना प्रभारी भी एक्टिव हो गया, हमारा सीओ साहब भी एक्टिव होकर यहाँ खोज पड़ताल लाग शुरू कर दिया गया। इस घटना का बहुत दुखित है परिवार वालों ने सब में। इस जगह में कोई आता नहीं है, ये लोग कैसे इस जगह में पहुँच गया नहाने के लिए? अब पानी बहुत गहरा था जिसके कारण लड़का लोग
डूब गए हैं। लड़का लोग को जानकारी नहीं थे, बाहर के लड़के थे। तो जगह का नाम क्या? तीन टावर जगह का नाम है। यहाँ से 20 से 30 फुट से ज्यादा गहरा पानी है। कहीं कहीं के पत्थर का छोटा छोटा चट्टान भी है, चट्टान के नीचे खोखला भी है। उस सब कितने अभी दो लोग, एक आदमी निकला, दो बच्चा और भी है। प्रयास चल रहा है उनको निकालने। कल हमको सूचना मिली कि मैथन ये है सो के नीचे जो ये है गहरा ये है जो तालाब टाइप का है वहाँ पर है, तो तीन बच्चों की डूबने की सूचना मिली। उसके आधार पर है सो प्रशासन तत्परता के साथ है सो तीनों का लाश निकालने के लिए है सो SDRF की टीम को बुलाया गया है। और अभी तक है सो एक लाश है सो हो चुका है, रिकवरी हो चुका है। हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि तीनों के तीनों है सो लाश है सो युवक की जो बरामदगी है क्या स्थानीय लोगों के द्वारा भी? हाँ हाँ, स्थानीय लोगों का सहयोग रहा है और यहाँ का गोताखोरों का भी सहयोग है। 15 घंटा सूचना हमको तो मिली ना, रात को सूचना मिली है और अभी तो तत्परता के साथ है, ये करेंगे, रिकवरी करेंगे। SDRF को आ जाएगी, अब सूचना दिया गया है। वो तो हमको पता नहीं है कि कितने गहरा पानी है, पता नहीं। प्रशासन का प्रयास जारी है।